लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाता बाजार। संबल जनपद नखासा थाना क्षेत्र में लगे साप्ताहिक बाजार में जुटी लोगों की भीड़ ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो भगदड़ मच गई। ये लोग अपना सामान छोड़कर भागने लगे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के साथ साथ आम देशवासियों के सपनों को चकनाचूर करने वाली एक तस्वीर नखासा थाना क्षेत्र के समाथल से सामने आई है, जो बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहा है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ साप्ताहिक बाजार में भीड़ लगाए हुए है। कोरोना वायरस जैसे जानलेवा हमलावर से बेखबर ये लोग खुलकर मखौल उड़ाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। भारत में लगभग आज 4500 से अधिक कोरोना मरीज हैं और 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ये भीड़ पेट बाजार से फल सब्जी और अन्य सामान खरीदने पहुंची थी, लेकिन एक साथ इतने लोगों के जमावड़े ने कोरोना वायरस को बुलाकर स्वयं उसकी गिरफ्त में आने का गुनाह किया है और संबल प्रशासन के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। लोगों की भीड़ की सूचना पर पुलिस भी पहुंची तो लोगों में भगदड़ मच गई और देखते देखते सड़क पर केवल सामान पड़ा रह गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद हम बाजार में पहुंचे हैं। अच्छा, लॉकडाउन चल रहा है, जब भी बाजार खुला हुआ है? सर, यहाँ पर जो अभी क्या था कुछ बताएंगे, क्या भीड़ भाड़ लग रही थी? सूचना थी, यहाँ बोले सब्जी वाला भीड़ लगा रखी है। अच्छा, तो इस चक्कर में जो हमें जो सूचना मिली तो हम आए, सारे हटवा दी, इधर की ये हो रही है इन्हें, और देख मतलब लॉकडाउन चल रहा है, जब भी लोग, हाँ जब भी नहीं मान रहे। सुबह तो हमने कई दफे इनसे कह दिया आके, कम भाई दुकान मत लगाना, दुकान मत लगाना, फिर भी नहीं मान रहे। जगह कौन सी मिलक भारत नहीं, हमें लग भारत।